ये है सुंदर सहगल, शायर, गायक, क्रिकेटर और खूनी। आपके पास कैसे आ गई सर? आई नहीं, भेजी गई है। ये वो रॉकेट है जिससे मुझे निशाना बनाने की कोशिश की गई। मैदान में इकट्ठा करो उन हराम के पिल्लों को। जाओ। ये सर। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जेलर साहब का हुक्म है कि सभी कैदी अपनी अपनी कोठरियों और बैरकों से बाहर निकलकर मैदान में जमा हो जाएं। आ गया साला जल्लाद का दूत। अपनी माँ का पुट चलता है कैसे, जैसे मलाई में दूध। ना ना, हरामजादो, जिसने भी ये गेंद मारी है वो एक कदम आगे आ जाए। सुना नहीं तुमने? कसूरवार एक कदम आगे आ जाए। एकता दिखाते हो हराम जादो, भूल गए कि मैं कौन हूं? मेरा नाम है जालिम सिंह, जो किसी का कसूर कभी माफ नहीं करता। और जब तक कसूरवार सामने नहीं आएगा, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम सबका खाना पीना बंद। नाउ डिसमिस। जेलर साहब, गेंद मैंने मारी है, कसूर मेरा है सर। सजा मुझे अकेले को मिलनी चाहिए, इन सबको नहीं। मेरा इस जेल से ट्रांसफर हो रहा है तो क्या हुआ?
तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किसी कसूरवार को कभी माफ नहीं करता। और तुम नंबर 44, तुम्हारे अच्छे सलूक के कारण मैंने तुम्हें बाकी के कैदियों से मिलने जुलने की इजाजत दी, लेकिन तुम तो इन्हें एक होना सिखा रहे हो। तुम तो जेल में बगावत करा दोगे। दशरथ खान। जी हुजूर। इस 44 के जिस्म पर 44 बैटन मारो। तो मैं आराम से मरने भी नहीं दूंगा। ऐसी रिपोर्ट लेकर जाऊंगा तुम्हारी फाइल में कि जिंदगी भर पेड़ियों में जकड़े रहोगे। और मरते दम तक याद रखोगे कि एक जेलर मिला था जिसका नाम था जालिम सिंह, और वो मैं हूं। हेलो, आयो शुक्र। इस ऑफिस का चार्ज लेने से पहले मैं जेल के खास खास कैदियों के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। वैसे तो साले यहाँ पे सबके सब हरामी हैं। मिस्टर जालिम सिंह, हमें किसी को भी गाली देने का कोई हक नहीं। आपके बारे में भी सुन चुका हूँ शुक्ला जी, मेरे ख्याल से आपको जेलर की जगह पे कोई प्रचारक या सुधारक होना चाहिए था। मेरे ख्याल में समाज सुधारक होना कोई बुरी बात तो नहीं है। मन में अगर संकल्प हो तो आदमी किसी भी पोजीशन या पदवी पे हो समाज सुधार कर सकता है। लेकिन जेल का समाज कुछ अलग है शुक्ला जी। ये वो जंगल है जहां पर अलग अलग जुर्मों के भयानक से भयानक जानवर बसते हैं। नहीं मिस्टर जालिम सिंह, जानवर और इंसान में बहुत फर्क है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शुक्ला जी, जानवर कभी जुर्म नहीं करता, लेकिन इंसान हमेशा जुर्म करता है। शौक से नहीं, खुशी से कोई भी इंसान जुर्म नहीं करता। हमारे देश में ज्यादातर जुर्म की वजह है गरीबी और बेरोजगारी। अब आप कहेंगे कि मैं भाषण देने लगा हूं, लेकिन इस बात से तो आप भी इनकार नहीं कर सकते कि हर इंसान मुजरिम नहीं होता, लेकिन हर मुजरिम इंसान जरूर होता है, और हमें उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार ही करना चाहिए। मगर वो इंसान हो तब ना, जेल के अंदर आकर बड़े से बड़ा साधु भी शैतान बन जाता है, और शैतान के साथ शैतान की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। मेरे ख्याल से आप अपना पेपर साइन कर दीजिए। हाँ चलिए आइए। दशरथ खान। जी हजूर। साहब को सब कैदियों के पास ले जाओ। जी हजूर। ऑल द बेस्ट। भाइयों, जय हिंद। जय हिंद। दशरथ खान। जी हुजूर। जेल में बेड़ियों से बांध रखना बेशक जेल का कानून है, लेकिन मुलाकात के वक्त हमें इंसानियत का कानून मानना चाहिए। ये भी वैसा ही इंसान है जैसे कि हम हैं। जाओ और उसकी बेड़ियां खोल दो। मेरा नाम राम प्रसाद शुक्ला है,
मैं आप लोगों का नया जेलर हूं। जितने दिन मैं यहां हूं और जितने दिन आप लोग यहां हैं, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है। इसलिए मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। भाइयों, इस पहली मुलाकात में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस तरह और जेलों में कैदियों को उनके नंबर से बुलाया जाता है, मैं वैसा नहीं करूंगा। मैं आप सबको आपके नामों से बुलाऊंगा, और इससे पहले कि मैं आपके नाम जान सकूं, मैं आपको अपने परिवार से मिलाना चाहूंगा। श्रीमती रामप्रसाद शुक्ला, प्लीज यहां आइए। यह है मेरी धर्मपत्नी। नमस्ते। यशोदा देवी। और हमारी एक ही बेटी है, ममता। ममता बेटी, इधर आओ। कैदी की केस हिस्ट्री और फाइल चाहिए अभी। ओके जाओ। सर। पापा। अमेजिंग, जस्ट लाइक हर। ये कैसे? ममता, इधर आओ बेटी। क्या है पा? ये देखो। कोई कह सकता है कि इस लड़की की शक्ल तुमसे नहीं मिलती? अब मैं समझी। सुबह उसने मुझे धोखेबाज कहकर मुझ पर अटैक क्यों किया था? पापा, उसे इस लड़की से जरूर मोहब्बत होगी। सुंदर सहगल। ओहो, हायर सेकेंडरी में मेरिट में नाम है। वंडरफुल। कॉलेज में फर्स्ट क्लास फर्स्ट। एक्सलेंट। फेमस क्रिकेट प्लेयर रवि सहगल का बेटा। रणजी ट्रॉफी में डबल सेंचुरी। फंटास्टिक। लेखक भी है, पोएट्री की किताब भी छप चुकी है, गजलों का एल्बम भी मार्केट में है। हाउ लवली। फांसी की सजा भी हुई है। हाउ सैड।
वफा नाराज आई तुझे ओ हर जाई दौलत के नशे आवाज में कितना दर्द है और मिठास भी। आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ जो सलूक किया। मेरे साथ नहीं, शीतल के साथ। लेकिन आपको कैसे मालूम?
सुनो, ये ताला खोल दो। तुम जाओ। शीतल की शक्ल मुझसे बहुत मिलती है ना सुनर, इसीलिए जब तुमने मुझको देखा तुमको तुम्हारी शीतल नजर आई। अच्छा, मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ बताती हूँ। मैं जेलर साहब की बेटी ममता हूँ, ये तो तुम जान ही गए होंगे। मैं एमए साइकोलॉजी में कर रही हूँ और जर्नलिज्म मेरी हॉबी है। सुंदर, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट, क्रिकेटर, पोएट, सिंगर को कोई लड़की प्यार में धोखा दे सकती है। यकीन तो मुझे भी नहीं आया था ममता जी, लेकिन ये सच है। तुम मुझे अपने प्यार के बारे में कुछ बताओगे सुंदर? प्यार कैसे हुआ, कैसे परवान चढ़ा, कब और कैसे तुम्हें उसकी बेवफाई का पता चला? ममता जी, जिस दिन शीतल से मेरी पहली मुलाकात हुई उस दिन मेरा 21वां जन्मदिन था। जुड़ जियो, भगवान दुनिया की सारी खुशियां तुझे दे दे। वो तो भगवान ने मेरे पैदा होते मुझे दे दी थी, मेरी माँ के रूप में। मेरे लिए तुमसे बड़ी खुशी कोई नहीं है माँ। मेरी ये खुशी मुझे कभी ना छीना जगदम्बे। मैं तो तुझे देखकर जिंदा हूँ बेटे, वरना तेरे पापा के बाद। अपना वादा याद है ना, आज मेरा 21वां जन्मदिन है। मेरे पापा का बैट। हाँ, अभी ला कर देती हूँ। सुंदर, ये ले तेरे पापा का बैट। माँ तुम्हारे लिए असली रुद्राक्ष की माला। अरे सुंदर, तेरे ऑस्ट्रेलिया जाने वाली टीम का चुनाव कब है? इसी संडे। देवी माँ के आशीर्वाद से तू जरूर चुना जाएगा। वहां जाकर इसी बैट से खेल, तेरे पापा का आशीर्वाद तेरे साथ है। माँ देखना, मैं भी 6 बोलों पर 6 छक्के लगाकर ये दिखा दूंगा कि मैं भी रवि सहगल का बेटा सुंदर सहगल हूँ। सुनिए, आप लोगों ने किसी पागल को जाते देखा है? नहीं तो? होशियार रहिएगा, एक पागल अपने पागलखाने से भागा है, जरा होशियार रहिएगा। और अगर आपको नजर आ जाए तो पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दीजिए। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो पागल है? देखिए, उसका कद जो है 5 फुट 7 इंच है, ब्लू रंग की पैंट पहना हुआ है और पीले रंग की शर्ट। कहीं लगी तो नहीं? बहुत गहरी लगी है। कहाँ? काश आप देख सकती। माय बॉल प्लीज। शीतल, 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 वो पागल है, वो पागल है, जो पागल खाने से भागा है। क्या? पागल? कौन पागल? हर पागल यही कहता है, कौन पागल, मैं पागल नहीं हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, यहाँ आइए। क्या बात है? यही आपका पागल है ना, जो पागल खाने से भागा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, इन्हें इन्हें छोड़ दीजिए, ये पागल नहीं है। आई एम सॉरी सर। थैंक्स, थैंक्स। आई एम आल्सो वेरी सॉरी। चलो। पागल? भागती का हो पागल, कुत्ती का महीने, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्यार मुझसे करती है और शादी किसी और से, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं छोड़ दो। शुक्रिया साहब, इस पागल की हमें सुबह से तलाश थी। पागल मैं नहीं, पागल ये है जो हमें जाते भरोसा करता है, ये नहीं जानता कि इसे अंगूठा दिखा देगी। चल, हर तरफ बेवफा होता है। बेवफा सनम, बेवफा सनम, बेवफा सनम, बेवफा सनम। क्या हर सनम बेवफा होता है? ढूंढेंगे तो पता चलेगा, सनम इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो कैसे मिलता है?
क्या सुंदर, वो जो तेरी नई नजर छपी है ना यार, कि वफा नाराज आई ओहर जाई, क्या बात है यार। अरे छोड़ यार सुंदर, अपने क्रिकेट मैच के सिलेक्शन का क्या हुआ? चलो टाइम हो गया है, क्लासरूम में चलते हैं। चलो तो आप साइंस सेक्शन में हैं, अब आप छुप नहीं सकते मेरी नजर से, भागो। कहां भागोगे इस दिल की पकड़ से? ओ भाई मैं क्या सुंदर सैगल है। ओंकार तू? एक ओंकार ऑल इन वन। भाई एक शिकायत, इतने बड़े क्रिकेट प्लेयर रवि सैगल दा बेटा होके तू एक बार भी मेरी कैंटीन विच चाय पीने नहीं आया। चल अभी चल मेरे साथ चाय पीने। ओंकार मुझे किसी से मिलना है यार। ओ भाई इस यूनिवर्सिटी में हर एक देव मिलने दी एक ही जगह, और वो है ओंकार दी कैंटीन।